देखिए यहाँ पे बात करेंगे वेल्डिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो माई सेल्फ नवीन कुमार, टुडे डिस्कस अबाउट द वेल्डिंग। बिफोर स्टार्टिंग द वेल्डिंग क्विज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने से पहले हम लोग एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, पोलैरिटी, ठीक है। तो पोलैरिटी क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा आर्क वेल्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक, पोलैरिटी, ठीक है। दैट मीन्स पोलैरिटी मीन्स दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द वर्क पीस एंड द इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे फिगर दिख रहा है, दिस वन इज द वर्क पीस, दिस इज द वर्क पीस, दिस इज द इलेक्ट्रोड। तो आप जैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रोड हमारा कंज्यूमेबल हो सकता है और नॉन कंज्यूमेबल हो सकता है, क्लियर है। दैट मीन्स हियर यूजिंग ऑफ ए डीसी पावर सोर्स और द एसी पावर सोर्स, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द अप्लीकेशन ऑफ द वर्क पीस एंड द टाइप ऑफ द सेटअप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे पोलैरिटी के बारे में। दैट मीन्स हियर यूजिंग ऑफ ए डीसी पावर सोर्स, दैट मीन्स बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पोलैरिटी। फर्स्ट इज द डीसी एसपी, ठीक है। दैट मीन्स डीसी करंट स्टेट पोलैरिटी, इसे बोल सकते हैं हम लोग ईएन, ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोड नेगेटिव। और सेकेंड हमारी होती है डीसी आरपी, दैट मीन्स डीसी करंट रिवर्स पोलैरिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव, ठीक। एंड थर्ड इज द एसी करंट, ओके। दैट मीन्स व्हेन अप्लाइंग द एसी अल्टरनेट करंट। तो हियर दिस फिगर डिस्क्राइब द डीसी पावर सोर्स, दैट मीन्स हियर इफ वी ज्वाइंट द पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्क पीस, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इन नोन एज द, क्या होगा बेटा यहाँ पे, डीसी आरपी, दैट मीन्स डायरेक्ट करेंट रिवर्स पोलैरिटी। दैट मीन्स व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्क पीस। तो एज वी नो दैट पॉजिटिव टर्मिनल हैज मैक्सिमम हीट, दैट मीन्स 2/3 ऑफ टोटल हीट जनरेटेड एट द इलेक्ट्रोड पोर्सन एंड 1/3 ऑफ टोटल हीट जनरेटेड ऑन द वर्क पीस सर्फेस, ओके। दैट मीन्स व्हेन द डीसी पावर सप्लाई यूज। तो इन दिस केस द मैक्सिमम हीट जनरेटेड एट द इलेक्ट्रोड, तो इफ द इलेक्ट्रोड इज कंज्यूमेबल, दैट मीन्स वी अप्लाइंग द डीसी पावर सोर्स डीसी आरपी, दैट मीन्स डीसी करंट रिवर्स पोलैरिटी, ओके। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड हमारा किस टाइप का है बेटा यहाँ पे, कंज्यूमेबल। दैट मीन्स अगर हमारे पास कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा तो हम लोग यहाँ पे डीसी आरपी का यूज करेंगे, क्लियर है। और वर्क पीस पे हम लोग यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, क्लियर है। तो पहले हमारी पोलैरिटी कौन सी हुई, डीसी आरपी, वेन द पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड और निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्क पीस, क्लियर है। तो मैक्सिमम हीट जनरेट होगी 2/3 पे, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड पे, और 1/3 हमारी हीट जनरेट होगी वर्क पीस पे। ये ऐसा कब करेंगे, जब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा, क्लियर है। सेकेंड पोलैरिटी, वेन द निगेट पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्क पीस एंड निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड। तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल, क्लियर है। जब हमारे पास इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होगा तो हम लोग यहाँ पे हीट क्यों वेस्ट करेंगे, इस वजह से हम लोग यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड से और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे वर्क पीस से। दैट मीन्स व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्क पीस एंड निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड इज नोन एज द डीसी एसपी, दैट मीन डीसी करंट स्टेट पोलैरिटी, ओके। जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे ईएन भी बोल सकते हैं, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। और हमेशा क्या होगा, करंट की अपोजिट डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करता है, क्लियर है। तो दिस इज द बेसिक कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस वी डिसाइड द पोलैरिटी डीसी एसपी एंड डीसी आरपी, क्लियर है। इन द केस ऑफ अल्टरनेट करंट, ठीक है। तो अल्टरनेट करंट हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारी साइकिल लॉ होती है, एक इस साइकिल पे, दैट मीन्स हियर देयर इज अप्लाइंग द अल्टरनेट करंट। तो फर्स्ट हाफ साइकिल इज वर्क एज द स्टेट पोलैरिटी एंड सेकेंड हाफ साइकिल इज वर्क ऑन द रिवर्स पोलैरिटी, ओके। तो देयर इज नो इशू ऑफ द डीसी एसपी ऑन डीसी आरपी, क्लियर है। तो एक कंप्लीट साइकिल में हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, एक बार हमें यहाँ पे स्टेट पोलैरिटी मिलती है और सेकेंड रिवर्स यहाँ पे, क्लियर है। तो दिस इज द कनेक्शन ऑफ द एंड फॉर कनेक्शन एंड फॉर एडवांटेज, इसका क्या एडवांटेज हमारे कहाँ का, कैसे हमारा ये यूज करेंगे, ठीक है, करेंगे,
ठीक है, यूजिंग ऑफ ए डीसी, यूजिंग ऑफ ए डीसी एसपी दैट मीन्स विल कनेक्टेड टू टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्क पीस एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स नो क्लीनिंग एक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर द वर्क पीस. 70% हीट एट वर्क बिकॉज ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्क पीस, 30% हीट ऑन द इलेक्ट्रोड, ठीक है, वेस्ट हमारी होती है यहाँ पे, और एक्सीलेंट हीट इलेक्ट्रोड एंड करंट कैपेसिटी फॉर्म इन द डी सी एस पी. सेम एज हियर डी सी आर पी स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन आर डन, ठीक है, 30% हीट एट वर्क और 70% ऑफ हीट वेस्ट, पुअर इलेक्ट्रोड एंड करंट कैपेसिटी इन द फॉर्म ऑफ ए सी दैट मीन्स क्लीनिंग एवरी हाफ साइकिल बिकॉज ऑफ फर्स्ट हाफ साइकिल डी सी एस पी एंड सेकेंड हाफ साइकिल डी सी आर पी तरीके से हमारा वर्क करता है. क्लियर है, 50% एट वर्क एंड 50% ऑन द डब्ल्यू, गुड इलेक्ट्रोड एंड करंट कैपेसिटी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द अल्टरनेट करेंट. दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द पोलैरिटी. ओके, अब हम लोग यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कंपटीटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आईएएस में आए हुए हैं, गेट में आए हुए हैं, एसएससी जे में आए हुए और अदर कंपटीशन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आए हुए. ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बात कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबस्चन दैट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ एसिटिलीन. ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग हमारे एक केमिकल वेल्डिंग प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का यूज करके हम लोग वहाँ पे हीट में कन्वर्ट करते हैं. तो मिनिमम हमें कितनी हीट ऑफ कितने वैल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग यहाँ पे. तो आईएस 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए हमारा 1 यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1.5 यूनिट है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा 2 यूनिट है, और ऑप्शन नंबर डी है. तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 2.5 यूनिट हमें वैल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से हमें 1 यूनिट हमें यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर से मिल जाता है और 1.5 यूनिट हमें एटमॉस्फेयर से हमें यहाँ पे जनरेट हो जाता है. क्लियर है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर हमारा क्या होगा बेटा, राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा डी, दैट मीन्स 2.5 यूनिट्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ एसिटिलीन इन द केस ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग. इज इट क्लियर. अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ. ये कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम. ठीक है, इन इफ द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन प्रोपोर्शन ऑफ एसिटिलीन इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग द फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम्स आर जनरेटेड. ठीक है, कौन कौन से हमारी होती है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ऑक्सीजन लेस देन एसिटिलीन, इस केस में क्या है हमारी जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो एसिटिलीन की कंपेरिजन में हमारा कम है. तो राइट आंसर इस समय हमारा क्या होगा ये हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं. तो फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रल फ्लेम. तो जब हमारे पास क्या होता है ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारी एसिटिलीन से कम होगी, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम. क्लियर है, और जब हमारी ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारी ज़्यादा होगी एसिटिलीन में उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और जब दोनों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं उसे बोलते हैं न्यूट्रल फ्लेम. तो हियर द क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर इज द कार्बोराइजिंग फ्लेम. अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो कौन सा हमारे यहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज नहीं करते. तो बेसिकली हमारे पास दो वेल्डिंग होती है, टिक वेल्डिंग और एमआईजी वेल्डिंग. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं. तो गेट में आया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, फिर सेकंड हमारा है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सम्बेड आर्क वेल्डिंग और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव. ठीक है, तो हियर यूज ऑफ ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो इसके हम लोग यूज करते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में. तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करेंगे, द इलेक्ट्रोड यूज इन आर्क वेल्डिंग आर कोटेड, दिस कोटिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू. ठीक है, तो हमारा क्या है कि इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कर रहे हैं आर्क वेल्डिंग में कोटेड कर रहे हैं, तो इसका हमारा क्या एडवांटेज होता है ये हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. ठीक है, तो इसका हमारा क्या होगा राइट आंसर 4th का, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे है प्रोवाइड प्रोटेक्टिव एटमॉस्फियर टू बिल्ड. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्टेबलाइज द आर्क, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी एड अलॉइंग एलिमेंट्स एंड ऑप्शन नंबर डी वी प्रिवेंट इफ्लोट फ्रॉम द कंटेमिनेंट्स. ठीक है, तो इसमें क्या बोला, दिस कोटिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड,
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फोर, दैट मीन्स प्रिवेंट इलेक्ट्रोड फ्रॉम द कंटेमिनेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है, बी है और जो सी है वो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोड को फ्रॉम द एटमोसफियर से प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्क को स्टेब्लिश करने के लिए, और एलॉइंग एलिमेंट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द एडिंग पर्पज से। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा क्या है, इन डीसी वेल्डिंग द स्टेट पोलैरिटी इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ऑलरेडी अपने पोलैरिटी के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ अभी। ठीक है, तो स्टेट पोलैरिटी हमारा क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिशन रेट की जो बात करेंगे, क्यों हमारा क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग करंट पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा डिपोजिशन रेट किसका होगा हमारा, जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा मेल्ट होकर कितना हमारा फास्ट रेट से डिपोजिट होगा गैप में। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, लोअर पेनिट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, लोअर डिपोजिशन रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, लेस हीटिंग ऑफ वर्क पीस। एंड ऑप्शन नंबर डी, वेल्ड पूल। ठीक है, तो हियर द स्टेट पोलैरिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड नेगेटिव हमारे पास है, उस केस में क्या होगा हमारी मिनिमम हीट हमारी कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रोड में होगी। यहाँ पे जो डिपोजिशन रेट होगा हमारा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है बेटा, इसका ऑप्शन नंबर बी, लोअर डिपोजिशन रेट। ये हमारा गेट 1993 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, 1993 में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे हम लोग क्यों कर रहे हैं, स्टेट पोलैरिटी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है वर्क पीस में, तो मैक्सिमम हीट जनरेट होगी वर्क पीस में और मिनिमम हीट हमारी जनरेट होगी इलेक्ट्रोड में 1/3। ठीक, दैट मीन्स मिनिमम सफिशियंट हीट फॉर मेल्टिंग ऑफ द हायर डिपोजिशन रेट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टू प्लेट्स ऑफ द सेम मेटल हैविंग इक्वल थिकनेस आर द बट वेल्ड विद द इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, व्हेन द प्लेट थिकनेस चेंज द वेल्डिंग इज अचीव्ड बाय। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेल्डिंग हमारे हाईएस्ट थिकनेस प्लेट कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, ये केट 2001 में हमारा क्वेश्चन आ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, एडजस्टिंग द करेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, एडजस्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ करेंट। एंड ऑप्शन नंबर सी, चेंजिंग द इलेक्ट्रोड साइज। एंड ऑप्शन नंबर डी, चेंजिंग द इलेक्ट्रोड कोटिंग। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, एडजस्टिंग द करेंट, दैट मीन्स इफ वी वेरिंग द करेंट। ठीक है, तो वी कैन ज्वाइंट द हायर थिकनेस प्लेट, दैट मीन्स इंक्रीजिंग द करेंट वी प्रोड्यूसिंग द हायर हीट। ठीक है, तो इन द केस ऑफ ऑप्शन नंबर सिक्स राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, एडजस्टिंग द करेंट। तो एडजस्ट करके हम लोग यहाँ पे करेंट में डिफरेंट वायरिंग थिकनेस की प्लेट को हम लोग इजी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, आर्क ब्लो इज मोर कॉमन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, एसी वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या, डीसी वेल्डिंग स्टेट पोलैरिटी। ऑप्शन नंबर सी, डीसी वेल्डिंग विद बेयर इलेक्ट्रोड। एंड ऑप्शन नंबर डी, एसी वेल्डिंग विद बेयर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द आर्क। ठीक है, इन द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज नोन एज द आर्क ब्लो। तो ये हमारा कब होता है, बेसिकली हमारा जब होता है डीसी वेल्डिंग में हम लोग जब बेयर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ठीक है, तो डीसी वेल्डिंग विद बेयर इलेक्ट्रोड इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेवन। ये हमारा ईयर 2001 में क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने हमारे क्वेश्चन आए सभी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, पिंच इफेक्ट इन द वेल्डिंग इज रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज इन द आर्क। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, सरफेस टेंशन ऑफ मॉल्टेन मेटल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एट का हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन द आर्क। तो पिंच इफेक्ट बेसिकली हमारा रिलेटेड किससे है, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन द आर्क बिल्डिंग। तो राइट आंसर इज द क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एक्सपेंशन ऑफ द गैसेज इन द आर्क बिल्डिंग। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ और टेंथ की तरफ। तो नाइन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, नो फ्लक्स यूज इन गैस वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील। ऑप्शन नंबर बी, बोरॉक्स इज द कॉमनली यूज ऑफ फ्लक्स कोटिंग ऑन द वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स। ऑप्शन नंबर सी, लेजर बीम वेल्डिंग एम्प्लॉय वैक्यूम चैम्बर दस अवॉइड्स यूज ऑफ ए शील्डिंग मेथड। एंड ऑप्शन नंबर डी, एसी कैन बी यूज फॉर द गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कभी भी हम लोग यहाँ पे फ्लक्स का यूज नहीं करते हैं किसमें, गैस वेल्डिंग प्रोसेस में माइल्ड स्टील के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर नाइन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन हमारा यहाँ पे क्या है, द वेल्ड इज पैटर्न अकर्स ड्यू टू एनी थिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, वेल्ड इज पैटर्न हाई वेल्डिंग करेंट,
ऑप्शन नंबर बी टू स्मॉल एन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर सी आर्क एंड ऑप्शन नंबर डी पोलैरिटी, रॉन्ग पोलैरिटी। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट मींस रॉन्ग पोलैरिटी, दैट मींस व्हेन चूजन द रॉन्ग पोलैरिटी वेल्ड स्पैटर मे बी अकर। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा 10 कट क्या होगा, राइट आंसर डी। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 हमारा क्या है, द ब्रेजिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट द रेंज। ठीक है, तो ब्रेजिंग और सोल्डिंग, तो बेसिकली हमारा क्या होता है कि सोल्डिंग हमारा क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ द मेटल बिलो द 427 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज एंड मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द बेस मेटल। बट ब्रेजिंग हमारा क्या होता है, टेम्परेचर 420 सेंटीग्रेड से हमारा एबव और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ से बेस ऑफ मेटल से कम। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर हमारा ए है यहाँ पे 600 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 350 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 182 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 600 to 750। ठीक है, तो अप्रिपियट आंसर, राइट आंसर हमारा क्या होगा ब्रेजिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी, दैट मींस 350 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बेस मेटल ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द बेस मेटल। 11 का हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ हो क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसका हमारा क्या होगा राइट आंसर, ये हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे। तो इन समर डार्क वेल्डिंग प्रोसेस द आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस, ऑप्शन नंबर बी मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस, ऑप्शन नंबर सी बेयर इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस एंड ऑप्शन नंबर डी टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि हमारा समर डार्क वेल्डिंग क्या होती है। तो समर डार्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेनुलर फ्लक्स हम लोग हॉपर के थ्रू लार्ज क्वांटिटी में भेजते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दैट मीन्स वी यूजिंग ऑफ ए बेयर इलेक्ट्रोड। ठीक, कैसे यूज करते हैं, बेयर मेटल इलेक्ट्रोड होता है और थ्रू द हॉपर वी कैन अप्लाई वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स, और यहाँ पे हमारी क्या होगी, आर्क इनविजिबल होती है, सो इट इज कॉल्ड एज द समर्ड, बिकॉज ऑफ हियर द आर्क इज समर्ड बाय द ग्रेनुलर फ्लक्स। ठीक है, आर्क इन इनविजिबल, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेयर मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस फॉर द समर्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन, अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे यहाँ पे क्या है, द ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग प्रोड्यूस ए फ्लेम टेम्परेचर ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप की फ्लेम होती है यहाँ पे, कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मिलती है। ठीक है, तो इस पे हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 2400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन नंबर डी 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थ्री टाइप्स की हमारी यहाँ पे फ्लेम होती हैं, जो हमारी टेम्परेचर है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वेरी करती है। क्लियर है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, हमारे यहाँ पे ऑक्सीस्क्रीन गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग फ्लेम टेम्परेचर इज अबाउट 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो इन द केस ऑफ आर्क वेल्डिंग द रिवर्स पोलैरिटी, तो ऑलरेडी इसके पहले हम लोग बात की है पोलैरिटी के बारे में। तो रिवर्स पोलैरिटी हमारे क्या होती है, ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोड इज केप्ट पॉजिटिवली पोल, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोड इज केप्ट नेगेटिव पोल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोड पेड इन न्यूट्रल पोल एंड इलेक्ट्रोड इज केप्ट अल्टरनेटिंग चेंजिंग पोल। ठीक है, तो राइट आंसर हम लोग जानते हैं कि रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है, कि इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव पोल से कनेक्ट होता है और वर्क पीस हमारी किससे कनेक्ट होती है, निगेटिव टर्मिनल से। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूपी जेनविनल में आया हुआ है, यू जेनएल वीएनएल में असिस्टेंट इंजीनियर में आया हुआ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग मेथड इज नॉट सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग एंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने क्लासिफिकेशन अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिएगा, इसका राइट हमारा आंसर होगा रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, दैट मीन द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस हमारा ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्रिएटिंग बिटवीन द कॉपर इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई हमारा क्या है यहाँ पे करंट है, आर हमारा क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस और टी इज द मिनिमम टाइम स्पॉन्टेनियस टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, तो इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग दैट मीन्स
फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, हाई वोल्टेज विद वेरी लो करंट पास्ट वेरी शॉर्ट टाइम, लो ऑप्शन नंबर बी लो वोल्टेज विद वेरी लो करंट पास्ट वेरी शॉर्ट टाइम, ऑप्शन नंबर सी लो वोल्टेज विद वेरी लो करंट पास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ऑप्शन नंबर डी लो वोल्टेज विद वेरी हाई करंट वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो इन रेजिस्टेंस बिल्डिंग हमारा क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे हाई करंट लो वोल्टेज प्रोसेस है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे करंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 16 का, ऑप्शन नंबर डी, दैट मींस लो वोल्टेज विद वेरी हाई करंट इज पास्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, दैट मींस यहाँ पे हमारा कितना होगा 1000 टू 10000 एम्पियर हम लोग यहाँ पे करंट मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है, और वोल्टेज हमारा कितना 1 वोल्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। क्लियर है, तो कैसे हमारा है हाई करंट लो वोल्टेज प्रोसेस और वेरी शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे पास कराते हैं करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी कार्बन आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग प्रोसेस। ऑलरेडी हमने बताया कि टिग और मिग हमारे दो ऐसे वेल्डिंग प्रोसेस जहाँ पे हम कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम लोग कौन से यूज करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या राइट आंसर, दैट मीन्स गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज द राइट आंसर। इन द केस ऑफ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस वी यूजिंग ऑफ ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, तो 18 हमारा क्या है, आर्क ब्लो प्रॉब्लम अकर्स। ठीक है, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, एसी वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, आर्क ब्लो प्रॉब्लम हमारे हमेशा किसमें होती है, डीसी वेल्डिंग में। क्लियर है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बेटा इसका 18 का सी। क्लियर है, अब हम मूव करते हैं ऑप्शन नंबर 19 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें हमारा क्या फिल इन द ब्लैंक्स, दैट मीन डज नॉट रिक्वायर ए फिलर मेटल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा गैस मेटल, ऑप्शन नंबर ए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग एंड ऑप्शन नंबर ई रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि इन द रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज ऑफ ए नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड देयर इज नो नीड ऑफ एनी फिलर मटेरियल ऑल्सो। तो राइट आंसर इज द हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ई फॉर द क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 20, वेल्ड स्पैटर डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग जनरली रिजल्ट ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या, यूजिंग टू हाई वेल्डिंग करंट, ऑप्शन नंबर बी यूजिंग टू लो वेल्डिंग करंट, ऑप्शन नंबर सी लो वोल्टेज एंड ऑप्शन नंबर डी हाई वोल्टेज। ठीक है, तो वेल्ड स्पैटर बेसिकली जो डिफेक्ट्स हमारा वेल्डिंग में क्रिएट होता है आर्क वेल्डिंग में। क्लियर है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, दैट मींस व्हेन द टू हाई वेल्डिंग करंट आर गिवन टू द वेल्डिंग सेटअप, दैट मींस वेल्ड स्पैटर विल बी जनरेटेड। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 20 का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा होगा, वेल्ड स्पैटर डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग। क्लियर है, ये हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसी तरह हम लोग और नेक्स्ट वीडियो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेट नंबर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लेके होंगे, जनरेट करेंगे क्वेश्चंस और हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।